जी हाँ, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, जैसे कि आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ब्लॉक सेक्रेटरी हैं और ब्लॉक सेक्रेटरी होने के नाते और एक ब्लॉक के अंतर्गत बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज ये वैश्विक महामारी कोरोना वायरस COVID-19 में जो प्राइवेट स्कूल के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो रवैया है, एक सेक्रेटरी होने के नाते आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू। बहुत अच्छा प्रश्न किया हमारे मित्र जनाब शमशाद आलम साहब ने कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो कि 8 ब्लॉक का मैं सेक्रेटरी एस आदिल नदवी, आज प्राइवेट स्कूलों के टीचरों की जो हालत है वो सबके सामने जाहिर है। लगभग ये बात सब जानते हैं कि 14 मार्च 2020 से मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली स्कूल्स आर क्लोज्ड और तमाम शिक्षक लगभग लाखों की तादाद में होंगे जो बेरोजगार हो चुके हैं। सारे शिक्षकों का घर, उनका परिवार और उनका घर का चूल्हा इसी स्कूल के द्वारा चलता था। लाखों पढ़े लिखे लोग बेरोजगार थे, सरकार ने उन्हें कोई रोजी नहीं दी थी और प्राइवेट स्कूलों के द्वारा उन्हें रोजगार मिला था जिसके जरिए से आज उनका घर बार चल रहा था। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर जो बीमारी आई जिसे COVID-19 का नाम दिया गया, उसकी वजह से सरकार को मजबूरन प्राइवेट स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूलों को और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को क्लोज करना पड़ा। ये सरकार का अच्छा फैसला था, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं और वेलकम कहते हैं। लेकिन सरकार ने देश के समस्त नागरिकों के लिए, ऑल टाइप्स ऑफ सिटीजन्स के लिए सरकार ने कुछ ना कुछ व्यवस्था किया, उनके खाने पीने के लिए, यहां तक कि प्रवासी मजदूरों के लिए, यहां तक आप कह सकते हैं कि मनरेगा मजदूरों को भी सरकार ने उनके अकाउंट में कुछ ना कुछ रुपए भेज करके दिया। मैं हैरान हूं सर ये बात आपसे कहकर कि क्या सरकार की नजर में प्राइवेट शिक्षकों की कोई वैल्यू नहीं है या प्राइवेट स्कूलों का शिक्षक होना गुनाह है, जुर्म है? अगर नहीं है, क्या हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? आप देखें, अगर हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा, एजुकेशन जिंदा है तो इसका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट स्कूलों को जाता है जिन्होंने एजुकेशन को हिंदुस्तान में जिंदा रखा है। बड़े बड़े नेताओं के, लीडर्स के और उद्योगपतियों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ते हैं। अफसोस की बात है कि सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली है प्राइवेट स्कूलों के टीचरों की तरफ से और उन्हें, उनके लिए उनके पास कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी स्कीम नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा देश के प्रधानमंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री जनाब श्री नीतीश कुमार जी से कि सर प्लीज आप हम पर दया करें, हम पर रहम करें, हमारे बच्चों पर और हमारे परिवार पर दया करें। अगर आप इसी तरह अपनी आंख बंद करके रखेंगे और हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे और हमें किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं देंगे तो आपको ये बात इकरार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि एक वक्त आ सकता है कि जिस तरह हिंदुस्तान में किसानों ने आत्महत्या कर लिया था, इसी तरीके से देश के प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने बच्चों और परिवार के साथ। ये दिन ना आए, इसीलिए सरकार से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से और मैं आप सब से ये निवेदन करूंगा कि इस बात को, इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं कि सरकार तक ये बात पहुंचे और प्राइवेट स्कूल के टीचरों के लिए सरकार कोई ना कोई स्कीम और प्लान निकाले ताकि प्राइवेट स्कूल जिंदा रहे और स्कूल चलाने वाले जिंदा रहे और स्कूल के संचालक जिंदा रहे और उनका घर बार चलता रहे। जय हिंद, जय भारत।